पर्यटन सफर पर निकली क्वींस ऑफ द व्हील ग्रुप की 25 महिला बाइक राइडर्स का द्वितीय आगमन पर कलेक्टर संदीप माकिन ने टूरिज्म दल को शॉल श्रीफल एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया। बाइकिंग इवेंट के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश दे रहे टूरिज्म दल की यात्रा का महिला दिवस पर भोपाल में समापन होगा। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की सार्थक पहल से महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल के भ्रमण करने बाइक रैली मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा 2 मार्च को भोपाल से चंदेरी के रास्ते होती हुई 3 मार्च को शिवपुरी पहुंची। कुनो टेंट सिटी में एक रात स्टे करने के बाद महिला बाइक टूरिस्ट रैली 4 मार्च को ग्वालियर होते हुए मंगलवार को दतिया पहुंची है। देशभर की 25 महिला बाइक राइडर्स मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थलों से गुजरते हुए लगभग 1400 किलोमीटर के रोमांचक सफर पर निकली है, जिसका समापन 8 मार्च को भोपाल में होगा। दल में हैदराबाद, भुवनेश्वर, मुंबई, पुणे, नागपुर, उज्जैन, इंदौर, ग्वालियर, देवास इत्यादि स्थलों की महिला राइडर्स शामिल है, जो मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल से सांची, चंदेरी, कुनो, ग्वालियर, ओरछा और खजुराहो जैसे प्रतिष्ठित स्थलों से होकर गुजरेगी। कलेक्टर श्री माकिन ने ग्रुप की महिला सदस्यों से जानकारी साझा करते हुए कहा कि दतिया में भी पर्यटन स्थल और सांस्कृतिक धरोहर के अति महत्वपूर्ण स्थल है। इनमें सेठा में सनकुआ धाम, उनाव में सूर्य मंदिर और अशोक का शिलालेख, विश्व प्रसिद्ध रतनगढ़ मंदिर, सोनागिर के जैन मंदिर प्रसिद्ध है। इन स्थलों पर भी भ्रमण करने का कार्यक्रम मध्य प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट के। नमस्ते, मैं डॉक्टर अपर्णा बांदोडकर हूँ। मैं मुंबई से हूँ, महाराष्ट्र स्टेट से, और मैंने मेरी जर्नी वैसे तो शुरू की महाराष्ट्र से इंदौर, मतलब मुंबई से इंदौर, इंदौर से भोपाल। भोपाल में हमारी सबकी मुलाकात हुई और हम सब ने वहाँ से जर्नी शुरू की है, ये 1440 किलोमीटर की। तो पहले दिन हमने भोपाल से चंदेरी तक का सफ़र किया सांची के थ्रू। सेकेंड डे हम गए कुनो फेस्टिवल, जो जहाँ जंगल है, जहाँ मोदी जी ने अपने चीते वगैरह लाके रखे हुए हैं, वो सेंचुरी में वहाँ पे अनुभव किया। और उसके बाद हम चल पड़े ग्वालियर की तरफ और मितौली पड़ौली, जहाँ पे 64 योगिनी मंदिर और बटेश्वर, ये करते हुए आज हम अभी दतिया पहुँचे हैं। तो दतिया में जो पीताम्बरा माता का तीर्थ क्षेत्र है, उसके हमें दर्शन अभी करने हैं और उसके बाद हम चलेंगे ओरछा की तरफ, ओरछा से खजुराहो, खजुराहो से वापस भोपाल। ये हमारी पूरी 7 दिन की जर्नी है। और ये इनिशिएटिव ऐसा है कि विमेन एम्पावरमेंट की तो हमेशा बात की जाती है, पर देखिए महिला दिन आ रहा है 8 तारीख को, 8 मार्च को महिला दिन है, जागतिक महिला दिन है। पर मैं मानती हूँ कि महिलाओं का सम्मान हमेशा होना चाहिए। जैसे हम योग करते हैं, एक योग दिवस मना के उसी दिन योग करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं योगा करती हूँ इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ। जब आप रोज़ कोई भी चीज़ करेंगे तो वो चीज़ जाके आगे फलती है। सिमिलरली हमारे देश में अगर महिलाओं का सम्मान हमेशा करते रहें, एक विमेंस डे की, जागतिक महिला दिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसलिए ये जागरूकता और बढ़ावा टूरिज्म को भी देने के लिए, ताकि मैं जब ज़्यादातर, अभी आज मैं ग्रुप राइडिंग कर रही हूँ, पर मेरे देश में, भारत देश में मैं जब घूमती हूँ तो ज़्यादातर अकेली घूमती हूँ, सोलो घूमती हूँ। तो मैं पूरे विश्वास से और एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिख के दे सकती हूँ कि ये हमारा भारत देश जो है बहुत ही सेफ है महिलाओं के लिए, क्योंकि पिछले 12 साल से मेरी मोटरसाइकिल बिजली, इसके साथ मैंने अराउंड 1,45,000 किलोमीटर किए हुए हैं। तो उसके ऊपर मैं जहाँ पे भी गई तो मुझे मदद ही मिली है, प्यार ही मिला है भारत देश में। तो भारत देश तो बहुत ही सेफ है, ऊपर से MP इतना रिच है, हर एक स्टेट में कुछ ना कुछ देखने जैसा है ही। और MP में मैं तो मैं बहुत बार आ चुकी हूँ, 7-8 बार आ चुकी हूँ, और भी बहुत कुछ देखने लायक है। तो इस टूरिज़्म के, यू नो, तीर्थक यात्रा के क्षेत्र में बहुत कुछ एक्सप्लोरेशन स्टिल करना बहुत ही मतलब पॉसिबल है। तो उस हिसाब से मैं भी मेरी जीवन यात्रा में, आध्यात्मिक यात्रा में, इन तीर्थ क्षेत्रों पे मेरे मोटरसाइकिल से जाके यही प्रमोट करती हूँ कि पहले तो महिलाओं के लिए तीर्थ क्षेत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और देखने लायक इतनी सारी चीज़ें, आप बाकी लोगों को भी प्रेरित करें ऐसी प्रकार की टूरिज्म, आध्यात्मिक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कीजिएगा। नमस्ते, मेरे नाम अलेक्सांड्रा है, मैं ब्राज़ील से हूँ, मैं फोटोग्राफर हूँ। आई लिव इन नागपुर सिंस 10 ईयर्स इन नागपुर। I have my studio of photography and I also teach photography in Symbiosis Nagpur. So I came to this journey of Queens on the Wheels because I love riding
and I came to know about this event and I wanted to join because it was only for women. It is a only women event, so I was very excited to know about the places and to know about also Madhya Pradesh because it's my first time in Madhya Pradesh and I am feeling truly amazed. First we went to Bhopal, then we went to Chanderi, Puno, we went to Gwalior, now we are here in Dathia, and the place is so beautiful. Everything that we are seeing when we stop the riding, we go and see the places. It's really beautiful. The maintenance is very good. The roads are nice to ride. So everything is being very good. We are having a good experience. And most important thing is this event is for women and this is a very important message for all the women to know that traveling in India for a woman is safe. So I'm very happy to be part of this initiative. Thank you. अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेज है उसको प्रमोट करने के लिए जो एमपी टूरिज्म है वो काम कर रही है. हम लोग का जो कार्यक्रम है वो भोपाल से स्टार्ट हुआ था और भोपाल के ही ख़त्म हुआ. 2 तारीख से स्टार्ट हुआ था और हम लोग सांची होते हुए, चंदेरी होते हुए, पुणे होते हुए और अभी दतिया होते हुए खजुराहो जाएंगे, फिर खजुराहो से वापस भोपाल जाएंगे. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एमपी गवर्नमेंट का कि वो अपने टूरिज़्म को भी प्रमोट कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वुमेन एम्पावरमेंट का मैसेज जो कि अभी 8 मार्च को आ रहा है तो हम बोलते हैं ना चैरिटी स्टार्ट फ्रॉम होम. जो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों की मानसिकता है ठीक हो सकती है तो उसके लिए जो हमारे घर की बेटियों को है और लड़कों को जो जेंडर इक्वालिटी सिखाते हैं तो वो घर से स्टार्ट होना चाहिए. और एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एमपी गवर्नमेंट का, उसके लिए मैं टूरिज़म का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ. और यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं और रोड बहुत अच्छे हैं और लोग बहुत अच्छे हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर. धन्यवाद. आज्ञा जैन है और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और हम लोग सब भोपाल से 2 तारीख को निकले. तो भोपाल से हम गए थे चंदेरी, फिर उसके बाद हम गए कूनो, कूनो से ग्वालियर और ग्वालियर से अभी हम दतिया आए और आगे हमारा प्रोग्राम है. तो ऐसा हम पूरा करके 7 तारीख को वापस भोपाल पहुँच जाएंगे और उसके बाद हमारा 8 तारीख को वुमेंस डे का सेलिब्रेशन है. और इस पूरे रैली का संदेश ये है कि एक तो भोपुरम एमपी कितना सुरक्षित है महिलाओं के लिए और तो कितनी सुंदर सुंदर हेरिटेज साइट है जो देखनी चाहिए, जो कि हिडन जेम है पूरे एमपी का. तो मैं सबसे यही अनुरोध करना चाहूँगी कि वो एमपी आए और इतनी सुंदर सुंदर जगहों को देखें, पर्यटन स्थलों को देखें और खूब आनंद लें. धन्यवाद. जी हम दतिया आए हैं और दतिया आके हमें बहुत अच्छा लगा है. यहाँ के पूरे रोड्स भी बहुत अच्छे हैं और यहाँ का जितना भी हमारे लिए जो आयोजन किया गया है वो बहुत ही अच्छा है और सब लोग काफ़ी अच्छे हैं, तो हमें यहाँ आकर काफ़ी अच्छा लगा.